अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, लच्छेदार खीर और पूरी की। लच्छेदार खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है और एक कप हमारे पास है गोंद। इस गोंद को दो गिलास पानी है, हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले गोंद को 2 गिलास पानी के अंदर भिगोकर और नाइट या 3-4 घंटे पहले हमने इसको रख दिया था, ठीक है। गोंद को हमने 4-5 घंटे पहले सादे पानी में भिगो दिया था, भीग के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अपनी लच्छेदार खीर की तैयारी की तरफ चलते हैं। 1.5 लीटर हमने लिया है इसके अंदर दूध लिया है, फुल क्रीमी हमने दूध लिया है। 200 ग्राम हमने ली है चावल जिसको हमने पहले से 1/2 घंटे पहले भिगो दिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 300 ग्राम हमारे पास है चीनी, 3 हमने लिए छोटी वाली इलायची, 1/2 चम्मच हमारे पास है इलायची पाउडर, जो हरी वाली छोटी वाली इलायची होती है उसी का इलायची पाउडर लिया हमने। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा केवड़ा एसेंस। गार्निश के लिए हमने लिए बादाम। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध को हमने बॉयल कर लेना है सबसे पहले, उबाल आने तक अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। पहले उबाल आने देंगे, दूध उबल चुका है। दूध के उबाल आने पर हमने इसमें डाल देनी है हमारे पास जो इलायची थी, हमने इलायची डाल देनी है। उसके साथ ही हमारे पास जो गोंद को हमने भिगो के रखा था बहुत अच्छे से भीग के बिल्कुल से पानी हो गया है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इसमें चम्मच चलाते जाना है। तकरीबन 30 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से पकाएंगे, दूध को पकाने के तरीके से लच्छे से बन जाएंगे दूध के अंदर। खीर हमारी पक चुकी है, 1/2 घंटा हो चुका है इसको, तकरीबन 30 मिनट में यहाँ पकने रखा ताकि लच्छे हमारे कैसे ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। ये देखो दूध फटा नहीं है, समझे कि दूध फटा है, दूध नहीं फटा है, ये लच्छे हमने बनाए हैं। हमने जो गोंद डाला था भिगो के उसे ही लच्छे बनाए, आज हम बना रहे हैं लच्छेदार खीर, ठीक है। इसको हमने पका लिया, हमारे लच्छे देखिए मुँह में आएंगे, इतनी ज़बरदस्त से लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनेगी। अब हमने इसमें डाल देना है जो हमने चावल रखे थे, चावल का हमने बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया है। 1/2 कप पानी डाल के हमने इसमें चावल डाल दिया। तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच पे इसी तरीके से पकाना है कि चावल हमारे बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाए। चावल डालने के बाद हमने इसको 15 मिनट तक पका लिया, इसको चम्मच हमने छोड़ा नहीं है, मीडियम आंच पे पकाया है। कितनी ज़बरदस्त से हमारे लच्छे तैयार हुए, खीर हमारी तैयारी की तरफ है। लच्छेदार खीर है, तैयारी पे आ गई है हमारी खीर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो छोटी इलायची का पाउडर है हमने वो डाल देना है इसमें, और साथ ही हमने इसमें डाल देना है जो हमारे पास चीनी है, हमने चीनी डाल देनी है। और चीनी का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। खीर हमारी बिल्कुल से तैयार हो गई, ये देखें इस तरीके से लच्छे कितने ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं, वाजे तौर पे नज़र आ रहे हैं लच्छे। और हमने क्या करना है, हमारे पास जो केवड़ा एसेंस है 1 चम्मच हमने वो डाल देना है इसमें, उसको इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें इसको डिश में निकाल लेना, ठीक है। लच्छेदार खीर हमारी बिल्कुल से रेडी हो गई है, आज हम बना रहे हैं लच्छेदार खीर और पूरियां। तो हमने खीर को रख देना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, बहुत अच्छे से अब हम पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। पूरियां बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम हमने मैदा लिया है, इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। 1/2 प्याली हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल, उसको बहुत अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करके और नॉर्मल पानी से हमने नॉर्मल जो डो बनती है वो बना लेनी है, ठीक है, नॉर्मल आटा। पूरियों का आटा बिल्कुल से रेडी है, इसको देखें बिल्कुल से सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको टाइट रखा है ना बहुत ज़्यादा पतला रखा है। इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ऊपर से इसमें कुकिंग ऑयल का हम इस तरीके से हल्का सा लगा देंगे इसके ऊपर ताकि पापड़ी ना आए इसके ऊपर। 15 मिनट के लिए इसको आटे को हम रख देंगे कवर करके ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आटे को हमने 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था, आटा हमारा बिल्कुल से सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने छोटी गोलियाँ बना लेनी है, ऐसा करना हमने खुश्की यूज़ नहीं करनी, इस तरीके से हमने
एक पेड़ा लेना है और हमने हल्का सा जो कुकिंग ऑयल है इसमें इसको इस तरह डिप करना है। डिप करने के बाद हमने इसको बेलना है, मुश्किल से लगानी है। तेल हमारा जो है फ्राई करने के लिए पूरी तेज गरम तेल में डालना है, ठंडे तेल में नहीं डालना है। ये और इसको इस तरीके से हमने राउंड में करते चले जाना है ताकि पूरी हमारी बहुत अच्छे से फूल ले। पुश करेंगे अंदर के साइड पे, एक साइड से हो गई है दूसरे साइड से भी करेंगे। सेक गई है पूरी को, बहुत ज़्यादा हमने तेज फ्राई नहीं करना होता है। इस तरीके से हमने तैयार करनी है तमाम पूरियाँ, हम इसी तरीके से तैयार करते हैं।